हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? स्वागत करता हूं आपका शॉर्ट लेक्चर सीरीज में, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत कम टाइम में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेटा आज हम इस टॉपिक के फॉर्मूला, इसके डेरिवेशन, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे जानने की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली है क्या, कैसे इस चीज को हम फिजिकली समझ सकते हैं, कैसे हम इस चीज को जान सकते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा जब समझना है आपको, तो पहले तो इन दो वर्ड्स का पता होना चाहिए, व्हाट इज इनर्शिया एंड व्हाट इज मूवमेंट, व्हाट इज इनर्शिया एंड व्हाट इज मूवमेंट, हमें ये बात पता होनी चाहिए। अगर हमें ये बात पता चल जाए तब बेटा हम जान पाएंगे कि व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया एक्चुअली है क्या। देखिए, ये कोई बॉडी है जिसका मास एम है। ओके, अब इस बॉडी पर आपने एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में एक्सिलरेट होके चलने लगी एम। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी मास इंटू एक्सिलरेशन, मास इंटू एक्सिलरेशन। बात समझ में आ गई? यानी कि जब मुझे किसी बॉडी को खिसकाना है, जब मुझे कोशिश करना है कि किसी बॉडी को मैं कैसे मूव करा दूं, तो मुझे फोर्स लगाना होगा कितना, कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने एक्सिलरेशन से उस बॉडी को मूव कराना है, यानी कि ए पता होना चाहिए, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि उस बॉडी का मास क्या है। तब जाकर आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द फोर्स यू नीड टू मूव द मास एम इन दिस डायरेक्शन विद एक्सिलरेशन ए। इस बॉडी, इस मास एम को ए की डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में ए एक्सिलरेशन के साथ मूव कराने के लिए कितना फोर्स चाहिए, ये आपको तब पता चलेगा। ठीक, अब क्या होता है बेटा कि इनर्शिया यहीं से जनरेट होता है। इनर्शिया बेसिकली है क्या, इनर्शिया एक तरह का जिद्दीपन है। इनर्शिया क्या है, हमारी नेचर में है, वो चाहे आपका चीज आपकी बायोटिक हो या एबायोटिक हो, यानी कि या तो चाहे सजीव हो या निर्जीव हो। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका डस्टर है, इसे मैंने यहां लगा दिया। अब ये डस्टर यहीं पर लगा रहेगा, ये अपनी पोजीशन खुद चेंज नहीं करेगा, कब तक, जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगे। अब जैसे ही मैंने इस पर फोर्स लगाया, ऐसे थोड़ा सा ये मत समझना कि ये कहां कहां जा रहा है, बस मूव कर रहा है ना, तो इट इज मूविंग एक्चुअली। तो जैसे ही मैंने इस पर ये फोर्स लगाया, इट इज मूविंग, जब फोर्स लगा तब ये मूव किया। बिल्कुल आप लोगों की तरह, कि जब एग्जाम सर पे आ जाएगा या पापा बहुत नाराज हो जाएंगे तब जाकर आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, है ना, या तब आकर जब मैं आप पे बहुत ज्यादा नाराज होने लगूंगा तब जाकर आप क्लास में आना स्टार्ट करेंगे, या कहूं ऑनलाइन आना स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज चल रहा है तो चलने दो, कौन कह रहा है कुछ। ठीक है, पहले से कोई तैयारी नहीं, तो ये जिद्दीपन सब में होता है। तो आप लोगों का इनर्शिया यह है कि आप लोग पढ़ना नहीं चाहते अपने मन से, और बाकी बॉडीज का जो इनर्शिया है वो ये है कि ये अपनी पोजीशन बदलना नहीं चाहती। तो दोनों में एक चेंज, दोनों में एक चीज ये है कि चेंज ऑफ पोजीशन, किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी चेंज ऑफ पोजीशन को हमेशा रजिस्ट करती है, और इसी रजिस्टेंस को हम इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शिया, इसी रजिस्टेंस को। तो जब भी कोई बॉडी अपनी पोजिशन चेंज करना चाहती है, या फिर कोई ऐसी चीज के अपनी जगह बदलना चाहती है, या कुछ अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहती है, तो उसे रेजिस्टेंस मिलता है, उसे रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, नेचुरली कुछ नहीं हो पाता। ओके, तो बेटा इसका ये जो रेजिस्टेंस है, इसी को हम इनर्शिया कहते हैं, और इस फोर्स के अगेंस्ट जो इनर्शिया मिलेगा उसे हम कहेंगे इनर्शिया फोर्स। उसे क्या कहेंगे? इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स एक सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स का मतलब होता है इमेजिनरी। तो इनर्शिया फोर्स एक सूडो फोर्स है जो कि अप्लाइड फोर्स के ठीक अगेंस्ट काम करता है, यानी कि हमारा एफ डैश वो सूडो फोर्स है जो इस एफ को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो एफ डैश जो होता है हमारा, उसी को हम कहते हैं इनर्शिया, इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स, इसी को हम कहते हैं इनर्शिया फोर्स। अब इनर्शिया फोर्स और एफ, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, एफ विल बी इक्वल टू एफ डैश।
ठीक है, तो इसे आप अप्लाइड फोर्स कह दो या इनर्शिया फोर्स कह दो, बात एक ही है। क्वांटिटेटिवली यानी कि इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ये दोनों एक हैं, लेकिन दोनों की नेचर अपोजिट है। एक अगर इस डायरेक्शन में काम कर रहा है तो दूसरा इसके अपोजिट करेगा, तो एफ डैश जो कि इनर्शिया फोर्स है वो रेजिस्ट करेगा इस फोर्स को। तो हमारी ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि इनर्शिया एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, इनर्शिया एक रेजिस्टेंस है, बात समझ में आ गई। अब मूवमेंट क्या होता है बेटा, मूवमेंट होता है कि जब कोई बॉडी रोटेट होने की नेचर रखती हो, यानी कि जब किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो रोटेट होने की कोशिश करती है ऐसे, जैसे मैंने अभी लगाया, सॉरी ये जैसे मैंने एक मार्क, ये आपका एक डस्टर है, इस पर मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो ये रोटेट करने की कोशिश कर रही है, या फिर एक फोर्स मैं ऐसे लगाऊं एक फोर्स ऐसे, जिसे हम कपल कहते हैं, तब ये रोटेट करेगी, बस समझ में आई। अगर ये रोटेट नहीं कर सकती, यहां से फिक्स है, तो जब मैं इसे ऐसे फोर्स लगाऊंगा ये बैंड हो जाएगी, हो जाएगी या नहीं बैंड, ऐसे ये बैंड हो जाएगी, तो मैं इस पे जब यहां फोर्स लगाऊंगा तो ये इस तरीके से एक कर्वेचर के साथ बैंड हो जाएगी, लेकिन बैंडिंग भी तो एक तरह का रोटेशन ही है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मूवमेंट क्या है, मूवमेंट एक तरह का बेटा रोटेशन, रोटेशन एक तरह की बैंडिंग, एक तरह की बेंडिंग या ट्विस्टिंग, कुछ भी कह सकते हैं बेटा, ट्विस्टिंग, ये सब जो है बेटा ये एक्चुअली मूवमेंट है, ये एक तरह की क्या है बेटा, मूवमेंट है। यानी कि जब कोई फोर्स किसी बॉडी पे काम करता है और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी घूमने की कोशिश करे, रोटेट होने की कोशिश करे, या बेंड होने की कोशिश करे, या ट्विस्ट होने की कोशिश करे। ट्विस्ट क्या, कि मैंने यहां फोर्स लगाया इस बॉडी पर और ये ऐसे ट्विस्ट होने की कोशिश कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं मूवमेंट। ये सब मूवमेंट की कैटेगरी में आते हैं, ओके, ये सब मूवमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर इन सबको कोई रेजिस्टेंस मिले तो उसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि इन सब इफेक्ट को रेजिस्ट करने वाले इफेक्ट को, इन सब इफेक्ट के अगेंस्ट जो इनका विरोध करता है उस इफेक्ट को या उस प्रभाव को हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, बात समझ में आ गई, ठीक। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज दैट इफेक्ट विच रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ रोटेशन, द इफेक्ट ऑफ बेंडिंग, द इफेक्ट ऑफ ट्विस्टिंग, ओके। तो अब आपके समझ में आ गया होगा बेटा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है बेसिकली। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इनर्शिया समझा क्या होता है, फिर हमने देखा मूवमेंट क्या होता है। इन चीजों को कंबाइन करने के बाद हमने देखा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन के अगेंस्ट आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब रोटेशन पूरा भी हो सकता है, रोटेशन बेंडिंग की फॉर्म में भी हो सकता है, और रोटेशन ट्विस्टिंग की फॉर्म में भी हो सकता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, ये देखो मैं यहां पर फॉर्मूला डिस्कस नहीं, बेसिक कंसेप्ट फंडामेंटल जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। अब इसका फॉर्मूला बेटा एक तो होता है एम आर स्क्वायर, यानी कि मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एक होता है बेटा आई इज इक्वल टू एम स्मॉल के स्क्वायर, जहां स्मॉल क्या है बेटा, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। तो ये कहलाता है बेटा एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ज्यादा आपको डिटेल नहीं जाना है कि ये कहां से आए कहां से नहीं आए, ये जो हमने लेक्चर सीरीज शुरू करी है इसमें हमें चीजों को समझना है, ठीक है, याद करना है, ओके। तो ये फॉर्मूले होते हैं आई इजल टू एम आर स्क्वायर, आई इजल टू एम के स्क्वायर। कहां से आए कैसे आए ये तो मास्टर क्लास में हम देखेंगे, जब आपका कोई सब्जेक्ट चलेगा चाहे वो स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल हो या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, उसमें ये सब चीजें पढ़ी जाती हैं, ओके। अब नोटिस करिए बेटा कि इनर्शिया फोर्स जितना ज्यादा होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा, या कहूं किसी बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस देगा, जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस देगा, ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल हम इस चीज को आपको अच्छा एरिया के केस में भी यही है, एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, ओके। अब इससे थोड़ा सा देखते हैं बेटा, जैसे कि ये बुक है, ये ले लीजिए, ओके, ये बुक है, इससे बेटा ऐसे बैंड करना बहुत आसान है, मैं यहां फिक्स करूं यहां फोर्स लगा दूं, है ना, ऐसे बैंड करना बहुत आसान है। उसके बाद
इसके अबाउट ऐसे बैंड करना बहुत आसान है, आप देख रहे हैं ऐसे, ठीक है, या ऐसे बैंड करना बहुत आसान है, या ऐसे बैंड करना बहुत आसान है, आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह इसे बैंड करना आसान है। तो जहां जहां इसे बैंड करना आसान है वहां पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम चाहिए, वहां पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम चाहिए। जितना कम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना रिक्वायर्ड होगा, जितना कम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड होगा उतना आसानी से चीज बैंड हो जाएगी या ट्विस्ट हो जाएगी या रोटेट हो जाएगी, ठीक है। अब जरा ऐसे देखिए इस बॉडी में, अगर मैं यहां पर फोर्स लगाऊं तो इसे अब ऐसे बैंड करना, यानी कि ये हिस्सा इधर चला जाए और ये हिस्सा इधर, आप देख रहे हैं ऐसे बैंड करना, ऐसे ये बैंड करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि रिक्वायर्ड जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो यहां पर बहुत हाई है, वो यहां पर बहुत हाई है, हम यहां पर ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। क्यों? आप देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे बेटा, नोटिस कीजिए, इस एक्सिस के अबाउट हम फोर्स लगाएंगे तो इसे जब हम रोटेट करेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट, मतलब ये क्या होगा, जब बैंड होगा तो क्या होगा बेटा कि हमें इतना ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस करना होगा कि ये बैंड हो जाए, ये बैंड हो जाए। तो अपने क्रॉस सेक्शन के अलोंग आप देख रहे हैं कि इसे बैंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर आपको, सॉरी ये ए है बेटा, ए के स्क्वायर, ये एरिया है बेटा, मास नहीं है, ये एरिया होगा मास नहीं है, ओके। तो ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन है ये बेटा इस केस में, इस केस में जब मैं ऐसे बैंड करना चाहूंगा इसे इस तरीके से, इस केस में बहुत बहुत कम होगी, जब ये बहुत कम होगी तो आई बहुत कम प्रोड्यूस होगा, जब आई बहुत कम प्रोड्यूस होगा तो इसके लिए रिक्वायर्ड जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ये हमेशा उससे कम ही प्रोड्यूस होगा, ओके। तो आई होप आपके समझ में आया होगा द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, इसे दो तीन बार देखिए वीडियो को बेटा, समझ में आ जाएगा। कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी शॉर्ट लेक्चर सीरीज में आज इतना ही बेटा, अब आगे हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।